थियोरी आगे प्रोपिगेट की गई थी कि ही वॉज हैंगिंग बाय द फैन, न वो फैन दिखा न वो सीलिंग दिखी, सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर भी इतना सारा शक जाता इस वजह से कि वो कपड़ा का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मुंबई पुलिस जो है मैं बताने वाली थी कि क्या है, आज एक महीने से ऊपर हो गया, उस कपड़े का टेंसाइल स्ट्रेंथ ही हमें नहीं बताया गया कि वो 85 किलो का भार ले सकती थी या नहीं। अब पूरा विश्वास हो चला है कि न्याय होगा और जो लोग जानबूझ के किसी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो पर्दाफाश होंगे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम आज सीबीआई जांच के पहले दिन की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के पास वो पूरी बातचीत मौजूद है जो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई थी 8 जून को। उस व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि सुशांत की मौत की खबर आने के बाद यानी 14 जून को दोपहर के करीब 2 बजे महेश भट्ट ने रिया को मैसेज भेजकर लिखा था कि कॉल मी यानी मुझे फोन करो। इससे पहले दोनों के बीच कई बार मैसेज का आदान प्रदान हुआ। महेश भट्ट और रिया को लेकर शेखर सुमन ने आज तक से खास बातचीत में इतना ही कहा कि उनके महेश भट्ट से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन विनाश काल में इंसान की बुद्धि बदल जाती है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा उन्हें पता नहीं कि दोनों के बीच कैसे रिश्ते थे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको वो व्हाट्सएप दिखा देते हैं। मौत के बाद 14 जून को महेश भट्ट ने कहा था कि बात कीजिए 8 जून को, तुम्हारे पास पहले से है सच में, मैं वादा करती हूं, रिया लिखती है, लव यू सर, आभारी हूं। 8 जून की यह बातचीत है जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी और जिस दिन रिया सुशांत का घर छोड़ के गई थी। अगर हम जिंदगी की अस्थायी प्रकृति के बारे में नहीं बात कर रहे तो कई ऐसी बेकार की चीजें हैं जो हमें महत्वपूर्ण नजर आती हैं। ये महेश भट्ट लिख रहे हैं। फिर 9 जून को रिया लिखती है, मेरे एंजल मैं आपके बिना क्या कर पाऊंगी, रिया आई लव यू सर, आपने मुझे फिर बचा लिया। 10 जून को महेश भट्ट लिखते हैं, जिंदगी जीना चाहिए, इस पर किसी का कब्जा नहीं होने देना चाहिए। महेश भट्ट लिखते हैं, चीजें जैसी हैं उन्हें वैसी देखने के लिए आपको कई बार कदम पीछे की तरफ खींचने पड़ते हैं। रिया लिखती है, बिल्कुल सही, मुझे अपनी दृष्टि वापस मिल रही है, गुड मॉर्निंग। महेश भट्ट 12 जून को लिखते हैं, निजी रचनात्मकता को बढ़ाने में अकेलापन बड़ी भूमिका निभाती है। 14 जून को, गुड मॉर्निंग सर, सुबह सुबह व्हाट्सएप पर आप जो सूत्र वाक्य के जरिए ऊर्जा का डेली डोज देते हैं वो मुझे चाहिए, लव यू। भावनाएं हवाओं से में मरे भरे हुए आसमान में बादलों की तरह आती जाती रहती हैं, महेश भट्ट लिखते हैं, संभलकर सांस लेना जरूरी है। 9 जून को रिया उन्हें नमस्ते भेजती हैं। ये पूरी बातचीत महेश भट्ट के साथ एक्सक्लूसिव आप आज तक पर देख रहे हैं। लव टू यू चाइल्ड, ये महेश भट्ट ने लिखा, लव यू सर माय एंजल। अब सवाल यही है कि महेश भट्ट पूरी सच्चाई क्या इस रिश्ते की जानते थे? 2:35 पर जब मौत की खबर आई तो महेश भट्ट ने व्हाट्सएप पे लिखा, कॉल मी, फोन करो। महेश भट्ट ने लिखा 8 जून को कि किस तरह से यह हुआ, ये पूरी प्रक्रिया जो बातचीत की रही है वो हमने आपको दिखा दी। महेश भट्ट ने लिखा था 14 जून को मौत के बाद, कॉल मी। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। इस पर हमने सीधा सवाल शेखर सुमन से किया जिन्होंने ये पूरी मुहिम उठा रखी है, क्या वो कह रहे हैं सुनिए। महेश भट्ट साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार इंसान है, अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी विनाशकाले विपरीत बुद्धि भी हो जाता है, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसे हो जाती है, कभी कभी इंसान कुछ गलत भी कर जाता है। मैं कुछ कहीं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं महेश जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मेरा उनके साथ समीकरण भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस तरह के तथ्य बाहर निकल के आते हैं और जनता कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है तो वो अपनी जगह वो भी सही है। इनके इनका क्या रिश्ता था उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब ये आपने जो दिखाया है, मैं शेखर सुमन की इस बात से भी सहमत हूँ कि उसने कहा कि महेश भट्ट तो इंटेलेक्चुअल आदमी है,
बुद्धिजीवी हैं, अब उनका क्या है, क्या क्यों कहा उन्होंने, किस आधार पे कहा, वो रिश्ते की गहराई क्या थी, कैसे उन लोगों के अंदर वो रिश्ता पनपा, और पनपा तो मैं ये भी कोई टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या था, क्या वो उनको गॉडफादर मानती थी या फादर फिगर थे वो या फ्रेंड थे, क्या था इन मामलों पे। पहली बात तो मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है जबकि मुझे इन विषय की पूरी जानकारी नहीं है। शेखर सुमन ने लेकिन ये कहा कि विनाश काले कई बार बुद्धि विपरीत काम करती है। बहरहाल आपको बताएं, इस वक्त भी जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, सीबीआई की तेज तर्रार टीम इस वक्त मुंबई में जुटी हुई है। जांच का पहला दिन है, अधिकारियों ने तमाम सबूत अपने कब्जे में लिए हैं। एक नीरज, देखिए चार किरदार हैं इस पूरी कहानी में जो उस वक्त मौजूद थे जब सुशांत का कमरा खोला गया। नीरज सिंह कुक था, सिद्धार्थ पिठानी उनके रूममेट थे, वो घर में रहते थे, स्टाफ थे उनके। इसके अलावा भी दो और किरदार थे, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। 14 जून को घर में मौजूद ये लोगों से सीबीआई क्या जानकारी हासिल कर रही है, क्या है शक के दायरे, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। माया नगरी में एक्शन में है सीबीआई। अब सामने आएगी काली सच्चाई। खंगाले जा रहे हैं साजिश के हिसाब। रिया के राज से अब हटेगा नकाब। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई की टीम ने सुशांत केस से जुड़े सबूतों की तलाश शुरू कर दी। सीबीआई की टीम सबसे पहले बांद्रा डीसीपी के दफ्तर पहुंची। सीबीआई ने पुलिस के पास मौजूद सुशांत की हर फाइल को अपने कब्जे में लिया, साथ ही मुंबई पुलिस से क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स भी मांगे। इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने करीब आधे घंटे तक मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से केस के सिलसिले में बातचीत की। अभिषेक त्रिमुखे वही डीसीपी हैं जिनके साथ रिया की बातचीत हुई थी। मुंबई पुलिस के साथ केस की जांच करने के बाद सीबीआई की टीम ने उन तमाम चीजों को भी अपने कब्जे में लिया जो केस की गुत्थी सुलझाने में अहम साबित होंगे। तमाम सबूतों को कब्जे में करने के साथ सीबीआई ने केस के अहम गवाहों से भी पूछताछ की। सुशांत का कुक रहे नीरज सिंह से सीबीआई ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। 14 जून को सुशांत को जूस पीने के लिए नीरज ने ही दिया था और जब दरवाजा कमरे का खुला नीरज भी वहीं था। 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले सब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूंगा, नारियल पांडर पानी लूंगा और थोड़ा ऑरेंज वरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूंगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दी। नीरज सिंह के साथ साथ सीबीआई ने सुशांत के एक और स्टाफ सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की। सैमुअल खुद को सुशांत का दोस्त बताता है लेकिन रिया का करीबी है। सैमुअल से ईडी भी पूछताछ कर चुकी है। इस बीच सुशांत के पिता के वकील मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आज के दिन पुलिस चाहे तो जितने भी नेम्ड अक्यूज्ड है प्लस पिठानी नेम्ड अक्यूज्ड नहीं है लेकिन पिठानी अब शक के घेरे में आ गया है, क्योंकि पिठानी जब पलटी खाया और जब उसने रिया को मदद करने की कोशिश की तो बिल्कुल शक के घेरे में चला गया। और अब आज के दिन में पिठानी और बाकी जितने भी नामजद अक्यूज हैं इमीडिएटली उनको अरेस्ट करके और उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन करना पड़ेगा। सीबीआई को सुशांत के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं। ये अपार्टमेंट में आने जाने वाले लोग का राज खोलने में मददगार होगा और आखिर क्या हुआ था उस रोज ये सब कुछ पता लगेगा। जो थियरी आगे प्रोपेगेट की गई थी कि ही वाज हैंगिंग बाय द फैन, ना वो फैन दिखा ना वो सीलिंग दिखी, सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर भी इतना सारा शक जाता इस वजह से कि वो कपड़ा का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मुंबई पुलिस जो है मैं बताने वाली थी कि क्या है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया, उस कपड़े का टेंसाइल स्ट्रेंथ ही हमें नहीं बताया गया कि वो 85 किलो का भार ले सकती थी या नहीं। फिर गले में जो निशान थे वो कपड़े के चौड़े निशान होने चाहिए, वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल और सिलेंड्रिकल वो निशान था, वो किसी और वो इशारा कर रहा था कि उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया होगा, मैं तो ये मानता भी नहीं कि उसे लटका है। हालांकि केस की तह तक पहुंचना सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी हर राज को बाहर निकाल कर ही रहेगी। आज तक ब्यूरो।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह जी एक बार फिर एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विकास सिंह जी, कल से आज तक में क्या नई बातें सामने आई हैं? सीबीआई ने सब कुछ सबूत अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आप परिवार से भी संपर्क है, क्या कुछ हुआ था 14 जून को? कोई नई जानकारी सर जो आप आज तक के दर्शकों को देना चाहे, क्या पता चला है? देखिए, अभी तो चूंकि सारा हैंडओवर का प्रोसेस चल ही रहा है, अभी जैसे उन्होंने फोरेंसिक वालों ने सारा उनसे मांगा है डिटेल कि क्या क्या पोस्टमार्टम के समय हुआ, क्या क्या उन्होंने रिटेन किया, क्या क्या उनको रखना चाहिए था, क्योंकि अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही देखिए तो इतनी कमी उस रिपोर्ट में है। हम लोग रोज सुप्रीम कोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंसिडर करते हैं क्रिमिनल मैटर्स में, और एक छोटे हॉस्पिटल में भी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनता है वो काफ़ी इलेबोरेट बनता है कि स्टमक में क्या पाया गया, अगर हैंगिंग से हुआ तो नेक का, उसका हैंगिंग से नेक उसका हिला कि नहीं हिला, आईज ऑफ पॉपिंग आउट होना चाहिए था, मुंह से झाग आना चाहिए था, और बॉडी में अगर कोई निशान थे या कोई चोट था तो उसका क्या वजह हो सकता है, तो मतलब कुछ भी इसके अंदर नहीं। अगर उसने मॉर्निंग में जूस पिया था और नारियल पानी पिया था तो स्टमक में क्या पाया गया, क्योंकि वो सारा अनडाइजेस्टेड रहता है वहाँ। जैसे आदमी की मौत होती है तो स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करना बंद हो जाता है, तो सारा फूड अनडाइजेस्टेड वहाँ या लिक्विड अनडाइजेस्टेड वहाँ पे होना चाहिए था, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो अब जो भी ये सारी बातें आएंगी, और उसके बाद एक तो अभी जो खुलासा आ रहा है कि मॉर्चुरी में रिया पहुंच के गई, बताइए रिया किस हैसियत से गई मॉर्चुरी में, और उनको बैकडोर से घुसाया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस उनको मदद कर रहा था इनको इस तरह से इनको क्लैंडेस्टाइन तरीके से मिलने मॉर्चुरी में क्यों जाने दिया सर? मॉर्चुरी में पहुंचने की क्या वजह थी? परिवार से बात नहीं कर रही है लेकिन पुलिस जिस तरह से पूरे मामले को आगे ले जा रही है, मॉर्चुरी में रिया के पहुंचने की क्या वजह हो सकती है? ये तो समझ के परे है कि वहां पर मॉर्चुरी में वो क्यों थी। अंजना जी, बहुत ही क्रूशल बात है, मैं बताऊं, मॉर्चुरी में जब बॉडी थी तो पोस्टमार्टम के पहले थी, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम के पहले जो बॉडी है उसका तो टेम्परिंग बहुत कुछ स्कोप है। अब उन्होंने क्या किया अंदर में मॉर्चुरी के जाकर के, किसी ने उसको कैमरा किया है कि नहीं किया है, और किस हैसियत से गई, सिस्टर सुशांत की सिस्टर घर पे थी, अगर कोई ऑफिशियल रीजन से किसी फैमिली मेंबर को जाना था तो सिर्फ सिस्टर ही जा सकती थी। लिविंग रिलेशनशिप का एडमिटेडली जब उनके हिसाब से क्लोजर हो चुका था 8th of June को, तो 8th June के बाद तो उनकी कोई हैसियत नहीं थी सुशांत से मिलने के लिए, खास करके उसके मरने के बाद तो बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी, इसलिए उनका जाना बहुत ही रहस्यमय है। और जिस पुलिस ऑफिसर ने या जिस हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनको इस तरह से एंटर करने दिया है बिना कोई कोर्ट के ऑर्डर के, देखिए अगर इस स्टेज में अगर कोई बॉडी रहती है और कोई अगर जाना चाहता है तो उसको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा कि भाई हम इस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं या ये अर्जेंसी हमको जाने दिया जाए, तो कोर्ट ऑर्डर करे तो जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट अवे पुलिस ऑफिसर या हॉस्पिटल स्टाफ अगर एंट्री दे रहा है उनको वहां मॉर्चुरी में जाकर के बॉडी के पास, और पता नहीं कोई टेम्परिंग किया हो या नहीं किया हो, तो बहुत सी सीरियस बातें हैं, और ये सब एक्सप्लेन करने में पुलिस को भी और हॉस्पिटल स्टाफ को भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और हॉस्पिटल से भी जो सारी मांगे गई है बात उनके जो पोस्टमार्टम के बारे में उसकी एनालिसिस होगी कि वो ओपिनियन यूनानिमस था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और बाकी जो बातें छूट गई हैं रिपोर्ट में वो क्यों छूटी हैं, क्यों नहीं उसका जिक्र आया है जो एक नॉर्मल रिपोर्ट में होना चाहिए था। विकास सिंह जी, आप लगातार चूंकि आप वकील हैं, आप संपर्क में हैं, आपने भी जिक्र किया कि अगर कोई जा सकता था तो सिर्फ बहन जा सकती थी, अब सब निर्भर करता है कि 14 जून को बांद्रा के उस फ्लैट में उस कमरे में क्या हुआ था सुशांत के। उनकी बहन भी वहां पर पहुंची थी 10 मिनट पहले, लेकिन बॉडी को उतार लिया गया था। जब बहनें वहां पर पहुंची उन्होंने आपको क्या बताया है, क्या था वहां पर, क्या देखा उन्होंने? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताऊं जो कि हमारे एफआईआर में भी है कि सारा वैल्यूएबल्स वो लेके चली गई थी। सुशांत की जब दो लॉकर थी घर में, दोनों लॉकरों को जब खोला गया तो बिल्कुल लॉकर दोनों के दोनों खाली थे। अब सुशांत के पास बहुत सी घड़ियां होती थी, आज के दिन में घड़ियां बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, घड़ियां थीं और कुछ चेन्स थे, कैश रखता था घर में, तो सारा का सारा बिल्कुल कहाँ चला गया सडनली उसके मौत के पहले। तो वही 8 जून को जो गई है रिया, वहां से सारा कुछ खाली करके ले गई है। दूसरी बात कि जो जब वहाँ बहन पहुंची है तो फोन से बार बार ये पिठानी बात कर रहा था। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिठानी जो है जब शव जल रहा था उसका फोटो लेकर के उसको आगे भी बढ़ा रहा था फोटो को,
और जब शव को उसने लटका हुआ देखा, उसने कोई फोटो नहीं लिया। पठानी एक तरह का फोटोग्राफर भी था, वो फोटोग्राफी करता भी रहता था इस तरह से। तो जब उसने शव को लटका हुआ देखा तो एक भी फोटो नहीं लिया उसने, और शव को जल्दी से उतार दिया। जब लॉकस्मिथ आया तो सुशांत का कमरा सातवें फ्लोर पे था और इंटरनल स्टेयर्स था, छठे फ्लोर पे डोर था निकलने का बाहर। तो जो सातवें फ्लोर में जब कमरा खोला लॉकस्मिथ ने, अगर ऐसी अर्जेंसी थी तो क्या उसको सोच में भी आया क्योंकि भाई लॉकस्मिथ को हम बाहर भेजें, क्यों नहीं तुरंत तुरंत रूम को खोलेगा? अगर मान लो लॉकस्मिथ को चाहता था कि ना देखे, बोले भैया तुम साइड में रहो, दरवाजा खोलते, किसी को क्यों दिमाग में आएगा कि पहले इसको बाहर करो घर से और तब दरवाजा खोलो? खोलने के बाद जब देखा कि बॉडी लटका हुआ है, अगर उसका उसने देखा कि बॉडी लटका हुआ है तो फिर फोटो क्यों नहीं लिया? और 10 मिनट अगर बहन दूर थी, जब ऑलरेडी सुशांत मर चुके थे तो 10 मिनट बहन दूर थी तो क्यों नहीं बहन को आकर के देखने दिया कि लटका हुआ कैसे है? मतलब इतने सवाल हैं अंजना जी, इतने सवाल हैं कि जवाब देते देते इनकी हालत खराब होगी। और इसमें पुलिस का रवैया बहुत ही कटघरे में घेरे में आ रहा है कि भाई आफ्टरऑल ये सब पुलिस की मदद से हुआ, इसलिए मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शुरू से ही उनको, मतलब वहां सीन पे पहुंचने के पहले से इंस्ट्रक्शन था। देखिए अंजना जी, बड़ी आपको कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूँ, एक बार पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं ऐसे मामले में तो फिर उनका एक रवैया, बिना अगर कोई इंस्ट्रक्शन के पहुंचे तो रवैया बड़ा डिफरेंट होता है। फिर वो सारे एरिया को सील करेंगे, सारा वो सब कुछ सीज करेंगे, कोई आए ना, कोई जाए ना उस जगह से। लेकिन अगर उनको पहले से इंस्ट्रक्शन है कि भाई इसको ऐसा करो कि भाई इसमें कुछ, इसको हम लोग को रफा दफा करना है, इसको सुसाइड बता करके और इसको ख़त्म करना है, तो फिर वो पहुंच करके रवैया उनका उसी तरह का था। तो ये जो एक पुलिस के एटीट्यूड में जो आप बातें आ रही हैं वो बड़ा स्पष्ट तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक मंशा थी कि इस मामले को उसको अंजाम तक नहीं जाने देना है। और इसीलिए फिर वो बाद में जो इंक्वेस्ट चली और उसमें पूरे बॉलीवुड को बुलाया गया, जिया खान जैसा अगर लोग भूल गए होते इस मामले को तो आज के दिन सब कुछ रफा दफा होके खत्म हो गया होता। ये तो परिवार ने चूंकि छोड़ा नहीं, फिर सीबीआई को गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के इतने अच्छे ऑर्डर से, इतना अच्छा इंटरवेंशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है जिसमें कि कोई लूपहोल नहीं छोड़ा है कि कल को कोई चाहे, अगर अक्यूज चाहे इसका और फायदा उठाना या महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहे कोई फायदा उठाना। आपको मालूम होगा अंजना जी, जब मैटर जजमेंट डिलीवर हो रहा था तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको राइट दीजिए चैलेंज करने का, कि ये जो बिहार का रेफरेंस है सीबीआई, हम इसको चैलेंज करें। ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी ये राइट नहीं देंगे, हम तो अपना मोहर लगा रहे हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा रहे हैं सीबीआई जांच के ऊपर, तो इसलिए आपको ये राइट देंगे तो फिर ये मामला फिर ऐसे ही लंबा हो जाएगा। दो बड़ी बातें आपने आज तक पर बताई है सर, एक तो दो दो लॉकर थे और दोनों लॉकर खाली थे, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ताला चाबी वाले को फोन करके बुलाया गया, उससे दरवाजा खुलवाया गया, उसको फिर रफा दफा करने के लिए सभी वहां से निकल गए, मतलब दरवाजा नहीं खोला, पहले उसको वहां से निकालने लगे पैसा देकर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और बहुत ही ये मतलब अजीब तरह से मेरे को लगता है सारा किया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत के पिता के सिंह जी के वकील विकास सिंह जी आज तक पर एक्सक्लूसिव बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि कैसे दो लॉकर सुशांत के घर में थे, दोनों खोल दिए गए थे, खाली थे बिल्कुल, और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ताला चाबी वाले को फोन करके बुलाया गया, सिद्धार्थ पठानी ने बुलाया, ताला उससे खुलवाया, उसके बाद दरवाजा नहीं खोला, कोई जल्दबाजी नहीं थी दरवाजा खोलने की, पहले उसको छोड़ने के लिए बाहर गए। तो ये फिर सब बताता है कि आखिर क्या हो रहा था, बहुत बड़ा रहस्य बन गया है। अजय आलोक हमारे साथ नेता जेडीयू के जुड़ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुनिका सदानंद एक्टर और लॉयर हमारे साथ पूरे मामले में जुड़ रहे हैं, आकाशदीप सबीर डायरेक्टर जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गणेश हिरवारकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोरियोग्राफर हैं, निशा मेनन हमारे साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आज जुड़ रहे हैं, डॉक्टर गौरव अग्रवाल फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विजय शेखर गुप्ता जो फिल्म इस पर बनाना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अंकित आचार्य आपके पास आना चाहती हूं। अंकित, आपने सुना विकास सिंह जी बता रहे हैं 14 जून को उस रूम में क्या हुआ था, सब वेट कर रहे थे, ताले चाबी वाली को फोन से बुलाया गया, उसके लॉकर्स खाली थे, उसको बाहर छोड़ रहे हैं, दरवाजा खोलने की कोई जल्दबाजी नहीं थी देखने की कि अंदर सुशांत के साथ क्या हुआ है। अंकित, यस यस मैडम, ये 14 जून को 10 से लेकर 2 बजे के बीच इन लोग जो स्टाफ जो थे उधर किधर गए थे वो? ओके, मेरा यही सवाल है, उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं खोला, उन्हें दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा, चाबी को क्यों बुलाना पड़ा? चाबी तो एक्स्ट्रा एक लॉकर होना चाहिए ना, चाबी जो अगर चाबी एक दूसरी खो गई है
तो एक चाबी एक्स्ट्रा होनी चाहिए उनके पास. ओके बट अगर वो दरवाजा मतलब दरवाजा नहीं खोल रहे 15 मिनट में जा रहे, मैं जब मैं रहता था हम भैया के साथ तो मैं 15 मिनट में जाके उनको देखता था. प्लस वो दरवाजा कभी बंद नहीं करते थे, लॉक नहीं करते थे बर, मतलब अंदर से. तो इन्होंने खोल के क्यों नहीं किया, मतलब तोड़ा क्यों नहीं गया वो दरवाजा, तोड़ते तो जान बच जाती शायद, हो भी सकता था. और ये चाबी बुलाने के बाद सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने देखा था और आपका ये दीपेश सावंत उन्होंने देखा था. तो उनका जो बॉडी लेक्चर मतलब जो बॉडी है पंकज से लटका हुआ, चलो मानते कि सुसाइड किया है, तो उनको छूने का अधिकार नहीं है जब तक पुलिस आ जाती नहीं है, तब तक उनको छूने का अधिकार नहीं है. बिल्कुल. क्यों छुआ उन्होंने, उनका विटनेस मिटाना चाहता था, क्यों मिटाए. और उनको उड़ा दे, जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक वो मिटाने का मतलब बॉडी को टच करने का अधिकार नहीं है आपको. और जबकि पुलिस को उन्होंने फोन किया, मीतू दीदी जो थी उनकी जो सिस्टर थी वो गोरेगांव से आ जाती है जल्दी, पुलिस को कॉल करते हुए सामने बैंडर पुलिस को कितना लेट आती है, क्यों लेट आती है. ये भी चाल है ना. जब दीपेश सावंत जो बैग लेके खड़ा था तो उसमें कोई सबूत छुपा रहा था, वो बैग किसको देखने मतलब देने जा रहा था. ओके मतलब वो बैग में कोई सबूत ना सबूत है, तब वो बैग लेके मतलब भाग के क्यों दे रहा था, किसी को कोई मतलब एविडेंस छुपाने चाहता है आप लोग, तो ऐसा क्यों करे. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि क्यों मतलब आदमी का जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वहां पर, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका देखभाल करना, कुछ भी करना. मतलब उन लोग ऐसा है कि मतलब कुछ ध्यान नहीं है इन लोग के, उन लोग मतलब 14 जून को 10 से लेकर 2 बजे के बीच कहाँ गए, हम लोग सब गायब थे. हम जाके एक बार तो नॉक करना चाहिए, नॉक नहीं किया तो हम लोग 4 बार नॉक करते हैं तो वो खोल लेते हैं, मतलब भीतर से लॉक तो नहीं करते हैं, बट उनको तो तोड़ना चाहिए दरवाजा, क्यों नहीं तोड़ा गया. रवि श्रीवास्तव जी, कल तक आप इन सवालों पर हंस रहे थे, पर देखिए रिया ने कोर्ट में कहा कि सुशांत ने कहा था चले जाओ, और वो तो महेश भट्ट से बातचीत कर रही थी, वो तो थैंक यू कर रही थी, एंजल कह रही थी, बहुत सारी चीजें कह रही थी. गणेश जी आपसे भी जल्दी से कमेंट इस पर ले लेते हैं, फिर उसके पास उनके पास चलेंगे. आज आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से गणेश जी आपने भी लगातार इन सवालों को खड़ा किया है. देखिए ना आज विकास सिंह जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एक एक करके तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं. लॉकर्स भी खाली थे उनके घर में, चाबी वाला तो आया ही नहीं, कि अगर चाबी वाला होता तो एटलीस्ट कम से कम एक बार तो उसको मिलना पड़ता पुलिस वाले से, या तो एक बार तो उसको कॉन्टेक्ट कर दे. चाबी वाला तो आया ही नहीं. और ये जो हुआ है ये रात को ही हुआ होगा, ताकि उन्होंने बाद में बंद कर दिया है. सुबह सिर्फ ये दिखावा चल रहा है कि दरवाजा तोड़ो और ये सब आओ और फिर देखो, और फिर क्योंकि इन्होंने रात में जिन लोगों ने भी किया है ये, तो वो सिर्फ उन्होंने नशे में कर दिया होगा, और फिर अगले दिन सबूत छुपाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ी, ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी रिया भी अंदर गई होगी एम्बुलेंस में, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट पे क्या होता है, जिसने भी अगर दबाया होगा तो उसके DNA टेस्टिंग वगैरह से आ जाते हैं, तो वो में भी वो अल्कोहल से साफ करने वगैरह गई होगी. इतने सारे सबूत छुपाने के लिए उन्होंने काम किए हैं कि अभी मुश्किल हो गया है, इतने सारे गवाह इनके सामने आ गए. आकाश दीप बहुत ज्यादा, बिल्कुल बोलिए बोलिए गणेश जी. इतना ज्यादा ये हो गया, और ये महेश भट्ट जो है ये इतनी बड़ी थ्योरी बनाते हैं, संसार ऐसा होता है, भाव वगैरह की बात करते हैं, तो क्या ये क्या साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल गुरु है, इन लोगों ने ठेका ले रखा है सबका, लड़कियों को साइकोलॉजिकली बताने का. अगर साइकोलॉजी तुम इतने स्ट्रांग हो तो सुशांत के बारे में नहीं सोच सकते थे, उन्हें रिया के बारे में सोचा. बिल्कुल बहुत सही सवाल उठा रहे हैं आकाशदीप सबीर जी, सही सवाल नहीं उठा रहे. हाँ, मैं नहीं सही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन की बात करें भट्ट साहब और रिया की, तो अगर वो उसको अपना गॉडफादर मानती थी तो इसमें अभी कोई, आपने जो कॉन्वर्सेशन बताई उसमें कोई ऐसी स्ट्रेंज बात नहीं है. भट्ट साहब का ये एक इमेज है बॉलीवुड में, जिस तरह उन्होंने लाइफ लीड की है, यूजी कृष्णा मूर्ति रजनीश वगैरह, कि भाई उनसे एडवाइस लेने लोग जाते हैं. अगर रिया बात कर रही है तो बात से कुछ एस्टेब्लिश नहीं होता. हाँ, बाकी जितने सवाल हुए और जो विवेक सिंह जी ने कुछ खुलासे किए, वो देखकर तो लगता है कि कोई भी चीज एकदम ही क्रिस्टल क्लियर सुसाइड की नहीं लग रही. और ये इस पे अभी हम वेट करेंगे कि CBI अब ये सब कुछ अपने हाथ में ले, और जिस अनक्लियर वे से चीजें हुई हैं अब उस पे क्लैरिटी लाए. एंड देश तो ऑफ कोर्स उत्सुक है कि भाई जितनी जल्दी हो सके कल या परसों ही फैसला हो जाए और किसी को फांसी लग जाए. वो नहीं होगा, टाइम लगेगा, एक एक चीज की तत् पे जाना, गहराई पे जाना, और आखिर मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हमें सच मिल जाएगा. एक सवाल मेरे मन में उठता है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, और हो सकता है पैनल पे या आप इस पर लाइट दें. हमने सुना है कि किसी पार्टी में जहां दिशा गई वहां कुछ हुआ, या उसने देखा या कुछ हुआ, और उसने सुशांत को फोन किया. उस वक्त तक सुशांत ने अपने वो 13-14 मोबाइल चेंज नहीं किए थे, दिशा के हादसा के बाद किए थे.
उस हादसे के बाद दिशा ने अगर फोन किया है सुशांत को, तो उसने अपने मंगेतर को फोन नहीं किया, फिर वो घर गई अपने मंगेतर के पास और कुछ समय बाद दिशा के साथ वो हादसा हुआ सुसाइड का, या जो भी अगर उसकी तहकीकात करें कि सुसाइड था या नहीं, उसने अपने मंगेतर को फोन नहीं किया, घर जाकर भी उससे ये बात नहीं शेयर की। कम से कम वो तो हमें बता दे कि घर आके दिशा ने क्या बोला। ऐसा क्या है कि दिशा अपने मंगेतर, जिसके घर में वो रहती थी, शादी होने वाली थी, उसको कुछ नहीं बताया? ये सवाल मुझे खटक रहा है। ठीक है गणेश जी, आप इसमें कुछ बोलना चाहें? और वो कह रहे हैं कि महेश भट्ट ने जो बात की उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट, उन्होंने जो बात की रजनीश के पास गए, ये के उन लोगों को ना समझ में नहीं आया रजनीश, उनके दिमाग मेंटल कंडीशन नहीं है कि रजनीश को समझ आए। आपका ये बोलने से कुछ साबित, गणेश गलत जगह आ गई जा रही है। आप ऐसे कैसे डिसाइड कर लेते हो कि मैं दस साल से रजनीश जी के साथ में हूँ, रजनीश को मानता हूँ, मुझे मालूम क्या हुआ ये ना। अगर 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 उनका माइंड जी वही पे आप टिप्पणी नहीं प्रॉब्लम है। अगर अगर वो अगर दिशा को ही अगर उनको उसका मुद्दे से कनेक्शन नहीं है गणेश जी जी ठीक है। अगर आप ये साइकोलॉजिकली बात मैं वही बोल रहा हूं, अगर साइकोलॉजिकली आप प्रोटेक्ट की बात, गणेश प्रोटेक्ट की बात नहीं कर रहे, उनकी कॉन्वर्सेशंस हुई है, वो एज ए गॉडफादर उससे उनसे अगर एडवाइस लेती है ठीक है, तो उसमें हम मर्डर में इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मर्डर में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये कॉन्वर्सेशन उन्होंने भट्ट साहब से कॉन्वर्सेशन की, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? राइट, मेरे साथ हादसा होगा, हम हमारे करीबी के लोगों से बात नहीं करेंगे, हमारे किसी में फैमिली में अगर हादसा होगा करना है, अगर उनको प्रोटेक्ट ही करना है तो सुशांत भी क्या अलग था? सुशांत को भी प्रोटेक्ट कर सकते थे। उनका रिश्ता रिया के साथ था, सुशांत के साथ नहीं था। वो शायद सुशांत को मिलने भी रिया के कहने पे गए होंगे, तो इससे क्या मतलब रिया पड़ता के साथ है था, सुशांत के साथ नहीं था जी। इससे कहने का क्या मतलब है कि पीछे मुड़ के मत देखना, अभी आगे जाओ, पीछे कोई खतरा था? फिलोसफी ऑफ लाइफ है यार, उसको आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? फिलोसफी ऑफ लाइफ महेश जी को अभी तक समझ में नहीं आई। नहीं गणेश जी, फिलोसफी ऑफ लाइफ उनको समझ में नहीं आई, जिनमें 550 दूसरे मुद्दे हैं, दूसरे सवाल है जिनके ऊपर हमको खुद आंसर नहीं मिल रहा, जिस तरह अभी विवेक सिंह जी ने बताया और अभी हमने आज नहीं नहीं नहीं, इसको आप गलत 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 आकाशदीप जी, आप गलत तरफ ले जा रहे हैं। कोर्ट में कहा है कुनिका जी ने, एक सेकंड सुनिए तो सर, कोर्ट में कहा है अपने वकील के जरिए कि सुशांत ने मुझे कहा था कि घर से तुम चले जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, लेकिन यहां पर तो बात कुछ और थी। ये कॉन्वर्सेशन तो इशारा करता है कि महेश भट्ट उनको कह रहे थे कि आप पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो। कुनिका जी, ये हादसे के बाद का कॉन्वर्सेशन है कुनिका जी, ठीक है, एक बार कुनिका जी बोल लें फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। आप कैसे इसको सुसाइड से पहले की कॉन्वर्सेशन थोड़ी है, अगर आप उस नजर से देखोगे तो आपको गलत लगेगा, ये सुसाइड के बाद का है। नहीं नहीं, सुसाइड के पहले का है, ये 8 जून का है। पहले का है सर, ये 8 जून का है। अगर 8 जून का है, पहले का है। कुनिका जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ। कुनिका जी एक सेकंड में फिनिश कर लो, एक सेकंड। अगर वो रिश्ता तोड़ के निकल रही है तो ठीक है, वो कह रहे अभी तुम पीछे मुड़ के मत देखो, आगे देखो, तुम्हारा रिश्ता टूट गया, खत्म। तो फिर कोर्ट में ये दिखाने की क्यों जरूरत है कि सुशांत ने मुझे कहा था इसलिए मैं गई थी, मैं नहीं जाना चाह रही थी, मैं उसका देखभाल करना चाह रही थी। कुनिका जी, वो झगड़े का ठीक है, झगड़े का मुद्दा समझा रही थी कुनिका जी, कि नहीं ये आप देख लो। आकाश जी, कैन आई स्पीक? सॉरी कुनिका, अंजना जी, आई ओनली से कुनिका, कुनिका यू कम इन एंड आई एम सेइंग इज इफ दे वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन ऑन द 8th एंड शी इज इन कोर्ट हैज सेड कि भाई मैं तो सुशांत ने मुझे जाने को कहा, दैट वो झगड़े का डिटेल था, तो ठीक है, उसमें भी कहां इम्प्लीकेशन कैसे आती है? रिया ने दो अलग बातें थोड़ी कही है। देखिए अंजना जी, 56 साल की उम्र में मेरी दो शादियां और कुछ रिश्ते हुए हैं, और हर रिश्ते में देयर इज समटाइम्स अ टाइम विद सम जब आपको लगता है कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला, लेकिन आप फिर भी उसे किसी तरह कंटिन्यू करते हैं। फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, उस ब्रेकिंग पॉइंट पे जब आप उसके दौरान जब आप उस रिश्ते में होते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, पति पत्नी प्रेमी माँ बहन भाई, उनके रिश्तों के अलावा भी लोगों के पास अलग रिश्ते होते हैं, कभी दोस्तों से, कभी कोई मेंटोर होता है, उनसे बात करते हैं। तो ये हो सकता है कि रिया और सुशांत की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जो पिछले 6 महीने से चल रही होगी या जो भी है, या जब उनको लगा कि वो डिप्रेशन में है और इसके वजह से वो इस तरह से बिहेव करें, तो उन्होंने किसी से कंसल्ट किया होगा, एंड दैट कोई मस्ट बी भट्ट साहब इफ शी हैज सेड एंड शी वाज वेटिंग
प्रॉब्ली और शी रियलाइज कि नाउ दिस इज द टाइम सुशांत ने उसको घर से निकलने को कहा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, उसके बाद अगर उसने फोन किया और कहा कि नाउ आई एम फ्री, मीन्स उसने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया होगा, हो सकता है भट्टा उसको काउंसिल कर रहे होंगे, और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है लाइफ में, तो इसमें कोई गलत नहीं। और भट्टा की कॉन्वर्सेशन और रिया की कॉन्वर्सेशन में मुझे ऐसा कहीं इंक्रिमिनेटिंग नहीं लगता है कि भट्टा ने रिया को मारने के लिए कहा, सो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है अजय आलोक जी, ठीक है, और अजय आलोक जी फिर उन्होंने 16 जुलाई को हाथ जोड़कर गृह मंत्री से कह दिया सीबीआई जांच करा दीजिए। अजय जी देखिए, अंजना जी मैं गांव में रहा हुआ हूँ, तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन है ना ये, जिसमें थोड़ी हंसी भी आती है, गांव में भी आत्महत्या लोग करते हैं, तो वो झोपड़ी वाला जो घर होता है उसके बीच में झंका कहते हैं हम लोग, जो इसमें पूरा एक लकड़ी का इधर से उधर लगा रहता है, तो उसी पे बांध बांध के लोग लटक जाते हैं, तो चौकीदार पहले आता है ना, तो वो देखता है कि चौकी और झंका में कितने दूर का डिस्टेंस है। पहली गांव की जो रिपोर्ट होती है जो चौकीदार डालता है कि चौकी से झंका कई दूरी कितनी है, उसी पे तय हो जाता है कि सुसाइड है या नहीं है। तो जो बेड और पंखे की दूरी लोग कह रहे हैं 5'9" है, सुशांत की हाइट 6 फीट है, तो यकीन मानिए एक सप्ताह के अंदर 302 का मुकदमा सीबीआई डायरेक्ट करने वाली है, भले अज्ञात लोगों के खिलाफ करे, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आपके सामने बैठे हुए हैं, प्राइमा फेशिया यहीं पर यह प्रूव हो जाएगा कि यह सुसाइड नहीं, जस्ट बाई मेजरिंग द हाइट ऑफ द बेड फ्रॉम द सीलिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन। और झूठ मूठ का इसमें कौन किसने किया क्या किया, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है, सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं। अब ये किसने किया है क्या किया है, कोई कह रहा है रात सबूत छुपाने की कोशिश की गई। अब देखिए दूसरी बात, गाँव का चौकीदार भी पहले इंटरोगेट किसको करेगा, पूछताछ किसको करेगा, तो घर में जो रहने वाले हैं उसको करेगा, मुंबई पुलिस ने नहीं किया, आरसीबीआई ने पहली पूछताछ किससे की, उनके कुक से की, उनके सीए उनके दोस्त से की, कुनिका जी और उनको तो दिखाई हाथ उठा रही है, इन लोगों को क्यों छोड़ा गया, ये सब मूल क्वेश्चन है। मुंबई पुलिस ने 60 दिन से इन लोगों को क्यों आराम से छोड़ा गया था कि जाके हैदराबाद घूम के आओ, भारत भ्रमण करके आओ, तो ये तो साफ साफ अब जाहिर हो चुका है ना कि किस बचाने की कोशिश है, इट्स नॉट क्लियर। अब होने दीजिए, अब सीबीआई की जांच है, मैं इस पर अब ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि विद इन 7 डेज 302 का मुकदमा यहाँ पे दायर करेगी सीबीआई, भले वो अज्ञात लोगों के। कुनिका जी रवि जी आ रही हूँ, कुनिका जी बोल रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जो अभी आलोक जी ने कहा, हम यहाँ पे ये डिस्प्यूट ही नहीं कर रहे कि डाउट क्रिएटेड है, देयर इज अ क्रिएटेड डाउट वेदर इट्स अ मर्डर और सुसाइड, ओके। हम यहाँ पे ये डिस्प्यूट नहीं कर रहे कि 66 डेज लगे पुलिस को इंक्वेस्ट के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और कोई एफआईआर नहीं फाइल किया। वी आर सेइंग, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है बहुत ढिलाई से बरती गई है पूरे मामले को। एंड जो आप, मैं विकास सिंह जी की दो बातों पर कुछ कहना चाहती हूँ। विकास सिंह जी ने कहा कि जूस पिया तो विसेरा सैंपल में जूस, आपके पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनसे भी आप राय लीजिएगा, जूस टेक्स नॉट लेस देन 1 आवर और हाफ एन आवर टू डाइजेस्ट इन द बॉडी। अगर जूस नहीं मिला होगा तो आप ये तय नहीं कर सकते कि सचमुच वो सुबह उठे थे और जूस पिया कि नहीं, बिकॉज वो विसेरा सैंपल में आधे घंटे का, और ये डेथ 2:30 बजे की बात की है जब रिपोर्ट हुई है। ठीक है, निशा मेनन को दिखाइए इनके साथ। ठीक है निशा मेनन जी, आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, इस पर आपका कमेंट, और जो हाइट की बात अजय आलोक जी ने की है। एक और चीज नहीं, पोस्टमार्टम में जो मॉर्निंग में क्राइम सीन एनालिसिस में और रिकंस्ट्रक्शन में बहुत डिफरेंस है। एनालिसिस इमीडिएटली होता है विद इन द स्पैन ऑफ लाइक अ डे और टू, लेकिन क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन अभी बहुत सारी चीजें क्लियर है, फिजिकल एविडेंसेस है हमारे सामने, जो स्टेटमेंट्स है, इंट्रोगेशंस जो हुए हैं वो है, सारी चीजों को कोरिलेट करके एक पिक्चर बनाएंगे वो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हाइट ऑफ द बेड अगर आप ले लीजिए, वेट ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ द डेड बॉडी, कूलिंग कितनी हुई थी, निशा जी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वो कपड़ा, सबको शक उस कपड़े पर है ना, छोटा सा एक ग्रीन सा कपड़ा दिख रहा है, ये सब अभी तक करना ही लेना चाहिए था क्या पुलिस को, क्यों ये सब ओवरलुक किया गया? ये सारी चीजें हैं, डिले इन एनालिसिस ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस इज अ डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिले फॉर अ कंक्लूजन, ये मान के हम लोग चलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर एक महीने पहले डिडक्ट कर देना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। लुकिंग इनटू द ग्रेविटी ऑफ द केस, ये बहुत पहले हो चुका होना चाहिए। इवन जो बाथरोब जो मिला है, इवन उसका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ साइमल्टेनियसली चेक हो जाना चाहिए कि इफ एट ऑल अगर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक था, कि बॉडी वेट नहीं ले, सारी चीजें इमीडिएटली चेक होनी है। और सबसे
बड़ी चीज जो हाइट का हम बोल रहे हैं, ये पार्शियल हैंगिंग की तरफ भी बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस जा रही है कि पार्शियल हैंगिंग है, इंक्लाइंड वे में एग्जैक्टली वर्टिकल बॉडी नहीं है, बट सिंस वी डोंट हैव एनी फोटोग्राफ्स, कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, तो ये भी नहीं प्रूव कर सकते एग्जैक्टली इंक्लाइंड पोजिशन में है, पार्शियल हैंगिंग है या कंप्लीट हैंगिंग है. बहुत सारी चीजें जो है ये क्राइम सीन रिक्रिएशन रिकंस्ट्रक्शन में हमें एविडेंट हो जाएगी. ठीक है, डॉक्टर गौरव अग्रवाल से भी एक टिप्पणी ले लेते हैं, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी. डॉक्टर गौरव अग्रवाल, दोनों पर ही आपका आपकी राय. एक तो वो हाइट को लेकर जो सवाल हो रहा है, कोई फोटो ही नहीं है सर, विकास सिंह भी कह रहे हैं उनकी हैंगिंग की, 10 मिनट वेट नहीं किया कि बहन आ जाए. और दूसरा पक्ष भी है जिसमें ये कि कपड़े के टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब डिपेंड करता है ना, छोटा सा कपड़ा दिख रहा है. जी अंजना जी, देखिए आई एम ए मैन ऑफ साइंस, तो जो मैं बात करूंगा कंजेक्चरिंग नहीं करूंगा, जो भी बात होगी वो साइंस के हिसाब से लॉजिकली एक्सप्लेनेबल है. बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने आपके शो के माध्यम से देखी हैं जो कि प्योर एंड सिंपल सिर्फ कंजेक्चरिंग है और कुछ नहीं है. ओके, तो सबसे पहले तो जो हाइट की बात है, देखिए हैंगिंग कंप्लीट भी होती है, पार्शल भी होती है, और पार्शल हैंगिंग भी इमीडिएटली फेटल होती है, तुरंत ही व्यक्ति को ख़त्म कर देती है, उसकी जान ले लेती है, जस्ट लाइक कंप्लीट हैंगिंग. तो इट डज़ नॉट मैटर कि सुशांत के केस में अगर कंप्लीट हैंगिंग नहीं थी, पार्शियल हैंगिंग थी, तो कैसे डेथ हो गई. दीज आर प्रिटी कॉमन, हम एवरी अदर डे इस तरह के केसेस देखते हैं एंड साइंस कैन एक्सप्लेन देम वेरी इजीली. सो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए कि वो पार्शियल हैंगिंग थी या कंप्लीट, कुछ भी थी, इट हार्डली मैटर्स. ओके, दैट इज़ वन. सेकेंडली जो लैगेचर मार्क की बात करें, कपड़े की बात कर रहे हैं आप, लैगेचर मटेरियल की, ग्रीन कलर का जो कुर्ता सपोजिटली यूज़ किया, तो कभी पहले ये भी आया कि बेल्ट से शायद किया हो, तो उसका इमेटीरियल, इट इज़ इमेटीरियल. लैगेचर मटेरियल कैसा भी हो, कितना बड़ा हो, सबसे बड़ी बात है कि वो नेक से, कि नेक की जो सर्कमफेरेंस है, जो कि इस केस में 33 सेंटीमीटर थी सुशांत की नेक की, तो जो लाइगेचर मटेरियल है उसको कम्प्लीटली रैप अराउंड करना चाहिए सफिशेंटली. तो एक कुर्ता, एक आमतौर पर अच्छी खासी एक बड़ा कुर्ता होता है जो उसको अच्छी तरह इनसर्कल कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं. आप मानते हैं कि इस थ्योरी में कोई शक की वजह नहीं है, मटेरियल हो अगर उसको कम्प्लीटली, ठीक है, आप मान रहे हैं कि इसमें कोई शक की वजह नहीं है एज फार एज कॉज ऑफ डेथ इज कंसर्न. जी ठीक है, ठीक है, बात नहीं है. फिर रवि जी आपके पास आऊंगे. अंकित आचार्य, सुना आपने? हाँ, देखिए सबसे पहला बात, सीसीटीवी कैमरा जो बिल्डिंग पे सीसीटीवी कैमरा थी वो तो अभी आई नहीं है. वो किधर थी सीसीटीवी कैमरा, बंद क्यों थी? मैंने सुना सीसीटीवी कैमरा बंद है, तो एक दिन पहले क्यों बंद हो गई थी? अब मैंने ये भी सुना 13 जून को पार्टी भी हुई थी रात को, तो फिर रात को जब पार्टी हुई थी तो उस समय कौन कौन लोग आए थे, ये भी देखना चाहिए. एंड जब सीसीटीवी कैमरा बंद थी, क्यों बंद थी? एंड जब ये जो नीरज बोल रहे हैं, नीरज जो बोल रहे हैं कि जूस पिया था, तो वो जूस का ग्लास जब डेट हुआ था उसका, तो जूस का ग्लास किधर है? वो भी नहीं मिला जूस का ग्लास. एंड जब मैंने अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, मेरे तरफ से, मैं भी एक लोग हूँ, तो मैंने भी एक उनके डेड बॉडी का 4-5 फोटोग्राफ्स है मेरे पास, तो उनके गले के जो निशान है, तो गले का निशान में मतलब वो ग्रीन कपड़ा झेल नहीं सकता, मतलब जब आप हैंगिंग करते हैं वो हैंगिंग करने का उसका जो वजन वो होता है वो झेल नहीं सकता, वो टूट जाएगा. तो उनका जब मैं देखा गले पे जब वो है, तो उनका जो कुत्ता, जो उनके जो फज है, जो ब्लैक कलर के जो बर्ड प्रिय जो डॉग है, उनका जो बेल्ट है, उनका बेल्ट के घोट के वो मारा हुआ है, वो मुझे लगा, दावा किया मैंने कि हाँ उसका उनका, और बेल का जो रिंग है जो लोहे का जो होता है वो भी यहाँ लगा हुआ है उनका. तो और एक ऊपर में मैंने देखा तो आंख में कोई पंज मारा हुआ है एकदम लाल लाल, जैसे पंज मारते तो लाल कैसे होता है, तो वो एकदम लाल जैसे भी है. तो ये सब है सब, बट ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये. मिस्टर अग्रवाल, छोटा सा कमेंट. मैं 10 सेकंड कुछ बोल सकता हूँ? आ रही हूँ अक्षदीप जी, आ रही हूँ. एक बार डॉक्टर अग्रवाल इस पर बोल ले, ये जो सवाल है फोटो के तहत. एक नॉन टेक्निकल पर्सन की कंजेक्चरिंग है और कुछ नहीं है. साइंटिफिकली ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेनेबल. मैंने जो फोटोग्राफ्स में लैगेचर मार्क देखा है बहुत ही क्लियर कट है, और मैं तो सिर्फ फोटोग्राफ देख रहा हूँ. जिन्होंने बॉडी को एग्जामिन किया है, देवर 5 फोरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर्स प्रॉपरली क्वालिफाइड, जिन्होंने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया, वो सर्टिफाई कर रहे हैं, तो ये कंजेक्चरिंग खत्म हो जाती है.
देखिए इट इज वेरी इजी फॉर अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लैगेचर मार्क ऑफ हैंगिंग वर्सेस स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, अगर बेल्ट या कोई भी चीज उसका बकल अच्छा, था लग गया वगैरह, क्यों नहीं बताया तो मौत कितने घंटे पहले हुई है? जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात मौत नहीं रहती। कितने घंटे पहले हुई है क्यों नहीं बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? क्या ये बेसिक ये उसमें खामी है, ये उन डॉक्टर से पूछना चाहिए। बाकी वो जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स लिखते हैं वो कोर्ट में भी या जब सीबीआई पूछेगी तो बहुत आसानी से बता देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में लैक्यूना होने के बहुत सारे रीजन है और इसके कारण ही स्लाइटली एक बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को मिल जाता है कि भाई सुसाइडल है, हैंगिंग है, उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। When I saw, उसमें एक सेलो टेप का भी मेंशन है जो कि लिग्जर मार्क के पास में मिला है, तो उसमें क्यों नहीं चेक हुआ है उसके इम्प्रेशन? डेफिनेटली सेलो टेप में मार्क्स तो बहुत ही क्लियरली इम्प्रेशन आने चाहिए, उसका कुछ क्लियर कट मेंशनिंग नहीं है। उसमें ट्रेसेस हो सकते हैं, उसके डीएनए सैंपल्स क्यों नहीं चेक किए हैं? हो सकता है सर, आई हैव सीन इन द प्रोविजनल सर्टिफिकेट कि सेलो टेप है लिग्जर मार्क के पास में। There is a sellotape which is mentioned in the report, in the provisional certificate of the postmortem report. तो उसमें analysis क्यों? क्योंकि बहुत ही trace elements sellotape में definitely stick हुए होंगे. Why that was not sent for DNA analysis? उसमें ना ही सुशांत के, सिर्फ सुशांत के नहीं, जिसने उसको handle किया है उसके भी traces होने के chances, उसके भी trace elements of सकते हैं, तो उसको भी simultaneously भेजने चाहिए थे फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, जिसका कहीं पे भी जिक्र मैंने अभी तक नहीं। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, अब ये सवालों पर तो नहीं हंसेंगे, बहुत सारे सीरियस सवाल उठ रहे हैं अब। अंजना जी क्या मैं बोल सकता हूँ? इसके बाद फौरन आऊंगी सर, एक बार रवि जी के पास जाने दीजिए, ऑडियो कट गया था। रवि, रवि श्रीवास्तव, मैं किसी के सवाल पे हंसा नहीं पहले भी और मैं अभी भी नहीं हंस रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये अजय आलोक जी जो बता रहे थे कि इनके गांव का चौकीदार बता देता है, तो ये चौकीदार को भेज देते हैं यहाँ पे जांच करने के लिए, तहकीकात करने के लिए। इतने सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो काम कर रहे हैं अपना। और जहां तक सवाल मुंबई पुलिस के रोल का है, तो अब जांच सीबीआई के पास है तो सीबीआई मुंबई पुलिस से भी सवाल पूछेगी। अभी इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कहना है अजय जी यहाँ पे राजनीति आपका बिहार का चुनाव जो है वो 2 महीने बाद होगा, और तब तक आप जांच को ठीक करके अपना रोटी सेकते रहिएगा वोट लेने के अच्छा, लिए। बाकी इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में तो आपने कभी नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार के रत्न से। अच्छा आप चुप हो जाइए ना, जुलाई के पहले आपने कभी नहीं कहा कि वो बिहार के। अच्छा चुप हो जाइए, जवाब भी सुनिए ना लगातार। ठीक है जवाब सुनते हैं, जवाब सुनते हैं, मुझे विजय शेखर गुप्ता जी के पास भी जाना है अपनी रोटी सेकने के लिए, वोट लेने के लिए। सुनिए ना, जवाब सुनिए ना, लगातार बोलते ही रहेंगे क्या? पूर्ति बहुत की जानना आपको बोलने का शौक है। ठीक है रवि जी, जवाब जवाब सुनिए अजय आलोक जी। ऐसा है कि सही बात है कि मेरे गांव का चौकीदार भी कर लेता, और आपके क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो वहां पे कर रहे थे तो उन्होंने पोस्टमार्टम में टाइम तक नहीं लिखा, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे। ऐसा है रवि जी, मैं यहां पे बैठे हुए सब लोगों को एक बात बोलूंगा, जितने लोग डिफेंड कर रहे हैं ना, क्या अगर सीबीआई की कल सीबीआई की क्रॉस ग्रिलिंग में किसी ने एडमिशन ऑफ गिल्ट कर लिया तब आप लोग क्या बोलेंगे? देश को कहां से मुंह दिखाएंगे? इससे बेहतर है कि हम लोग जरा शेरलॉक होम्स यहाँ पे ना बने चैनल पे, सीबीआई को अपना काम करने दें, शेरलॉक होम्स बन के सब काम हम ही लोग कर लेंगे। एक एक करके रवि जी, रवि जी रुक जाइए प्लीज, आवाज नहीं चल रही। रवि जी की समस्या है कि 65 वर्ष की उम्र में भी इनमें बिल्कुल जवानों वाला दम है, इसे रुकते नहीं है, बड़े बेचैन आत्मा है। खैर नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ चैनल में बैठ के हम लोग शेरलॉक होम्स नहीं बने, सीबीआई को अपना काम करने का कुछ कह रहे हैं। और मैं पक्का श्योर हूँ कि क्रॉस ग्रिलिंग इंटरोगेशन जब होगा रोज दिन एक एक परत फूटती जाएगी, बचने वाला कोई नहीं है। और बेहतर है कि चैनल में बैठ के सबको हम लोग शेरलॉक होम्स बन के इसको क्रॉस डिफेंड करने की कोशिश न करें, सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। और रवि जी चुनाव की चिंता मत कीजिए, यहाँ चुनाव का डिस्कशन करने नहीं बैठे। विजय शेखर गुप्ता जी सुसाइड और मर्डर आप फिल्म बना रहे हैं सुशांत और रिया पर, लेकिन अभी तो सीबीआई जांच में पता कर लेगी, स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी आपको। अंजना जी नमस्कार, स्क्रिप्ट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये सुशांत की लाइफ पर फिल्म नहीं है, ये नेपोटिज्म और क्या नाम है बॉलीवुड माफिया के ऊपर है, जो आपको पता है कि जब से बॉलीवुड बना है तो नेपोटिज्म भी चल रहा है और माफिया भी चल रहा है कि जो टैलेंट बाहर से आता है उसको कुचला जाता है, उसको दबाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जो आज आप 4 केस देख रहे हैं, चाहे वो दिशा सालियान का हो, चाहे सुशांत का हो, चाहे दिया मिर्जा का, सॉरी अपना माफी चाहूंगा, जिया खान का हो, चाहे दिव्या भारती का हो, ये सब मर्डर है। और
सबकी थ्योरी एक ही है, सुसाइड, डिप्रेशन। ठीक है सबीर साहब, सबीर साहब जल्दी से आप अपनी बात कहिए, सबीर जी और कुनिका जी को दिखाइए जल्दी से। सबीर जी, मैं एक सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मुझे लगता है सीबीआई ये अच्छा है, न्याय मिलेगा। हम सिर्फ भट्ट साहब और रिया की कॉन्वर्सेशन पे टिप्पणी दे रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये केस एकदम सिंपल है और सुसाइड है और अरे बट ये यही तो है ना सर, जो पावरफुल लोग है नहीं, जो नहीं, अलग अलग नहीं, मैं अभी बॉलीवुड में लॉबीज है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ। मैं आपके पिछले स्पीकर से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, उसको कुछ नहीं पता बॉलीवुड में माफिया। आप 40 साल में 3 केस के बारे में बार बार बात कर रहे हो, उसमें से एक केस सीबीआई में है, एक अभी सीबीआई में गया हुआ है और एक की क्लैरिफिकेशन हो चुकी है। अगर आपको इसके ऊपर एक सनसनी कहानी बनानी और आप कहते हो बॉलीवुड में माफिया है जो बाहर वालों को कुचल देते हैं, तो सनसनी कहानी तो खुद रिया बना रही है। अंजना जी आप गलत समझ रहे हो, बात से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बॉलीवुड में हर जगह माफिया कुचल रहा है बाहर वालों को, तो कंगना कंगना कैसे बनी, सुशांत कैसे बना, मनोज बाजपेयी, इरफान, राजकुमार यादव कैसे बने, आप ऊपर से नीचे जब देखोगे ना बॉलीवुड में तो सारे आउटसाइडर है, अक्षय कुमार आउटसाइडर है, शाहरुख खान आउटसाइडर है, अमिताभ बच्चन जी आउटसाइडर है, मान लिया। अंजना जी, एक सेलिब्रिटी जब बन जाता है तो उसको हमेशा, जब सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसको हमेशा या तो गुड पावर पीछे रखनी पड़ती है तो बैड पावर पीछे रखनी पड़ती है, और बैड पावर इंडस्ट्री में ये अंडरवर्ल्ड वाले हैं जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, इनका माफिया है। गुड पावर जो है वो अपनी भारत सरकार है, कुछ लोग वाकई में भारत सरकार का सपोर्ट लेते हैं जो लीगली चलते, अक्षय कुमार, अजय देवगन भारत सरकार के सपोर्ट में है, बाकी सब लोग ना इधर अंडरवर्ल्ड में, जो कंगना बोल रही है वो परफेक्टली है, परफेक्ट बोल रही है वो कि माफिया बनाया है बॉलीवुड का। कुनिका जी, कौन सा माफिया है बताइए ना, कुनिका जी पूरा अंडरवर्ल्ड का पैसा आ रहा है, चल रहा है बॉलीवुड का, मैं 5 मिनट, ठीक है सुनिए एक बार कुनिका जी को सुनिए। हाँ कुनिका जी, अंजना जी मैं 2 मिनट चाहूंगी, मैं 2-3 लोगों को जवाब देना चाहती हूँ। अजय आलोक जी, इनको मैं कहना चाहती हूँ पर्सनल अटैक करते हैं लेकिन डेफिनेटली पॉलिटिकल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप ऐसे पॉलिटिशियन को ऐसे डिबेट में बुलाएंगे तो आपकी चैनल की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी जो अपने पॉलिटिक्स के लिए बात करें। सेकंड थिंग, जो इन्होंने कहा कि भाई दिव्या भारती और जो दूसरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनना चाहते हैं जो है डायरेक्टर, दिव्या भारती केस ऑफ सुसाइड वॉज नॉट अबाउट नेपोटिज्म, सो डू नॉट क्लब देम ऑल टुगेदर। फर्स्ट थिंग विथ रिगार्ड टू रिया चक्रवर्ती, जो आप बार बार कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती, अरे रिया चक्रवर्ती डिजर्व एज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट शी शुड बी गिवन ऑल द यू आर ऑलरेडी डिसाइडिंग दैट शी इज द क्रिमिनल। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कुनिका जी, की अगर बिहार सरकार ने पहल नहीं की होती, बिहार पुलिस नहीं गई थी तो गई होती तो ये तमाम सवाल उठते ही नहीं। मुंबई पुलिस तो एक अलग ही लाइन पर जांच ले जा रही थी कुनिका जी, अंजना जी व्हाट्सएप मैसेज है, कोर्ट में कहा है सुशांत ने कहा था, बिहार सरकार भी तब जागी जब उनके ऑपोजिशन की लीडर उनसे मिलने गए थे, तब तक नीतीश कुमार जी वहां मिलने नहीं गए थे। अजय आलो, सही कारण आपके लिए सिर्फ चुनावी फायदा है इसमें। अजय आलो, बिल्कुल गलत बात है, कोई चुनाव से इसका मतलब नहीं है, दूर दूर तक इन लोगों को दिमाग नहीं है, गवर्नेंस का जी नहीं पता है। हम कैसे सीबीआई इंक्वायरी इनको ऑर्डर कर सकते थे जब तक हमारे यहाँ एफआईआर नहीं होती? हमारे यहाँ जब एफआईआर हो गई, हमने अपने ऑफिसर्स को भेजा, उनको क्वारंटाइन कर दिया। चलिए इस केस पर रहेगी हमारी नजर।